गंगा दशहरा 2024 कब और क्यों मनाई जाती है? गंगा दशहरा जाने इसके बारे में सब कुछ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन उसे प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आज के वीडियो में जानते हैं गंगा दशहरा के बारे में। इस दिन जगत की दात्री माँ गंगा की पूजा उपासना की जाती है। इसके लिए साधक ब्रह्म वेला से पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। शास्त्रों में निहित है कि ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि पर माँ गंगा का अवतरण भूलोक पर हुआ था। हर वर्ष ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान ध्यान करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के किए गए सकल पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही माँ गंगा की कृपा से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा की तिथि शुभ मुहूर्त योग जानते हैं। शुभ मुहूर्त ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि 16 जून को देर रात 2:32 पर शुरू होगी और अगले दिन 17 जून को ब्रह्म मुहूर्त 4:43 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्य उदय से तिथि की गणना की जाती है। 16 जून को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। योग गंगा दशहरा पर वरियान योग का निर्माण हो रहा है। वरियान योग संध्या काल 9:03 तक है। इसके बाद पर्याय योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि पर स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग के भी संयोग बन रहे हैं। इनके योग में गंगा स्नान करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। कैसा लगा आप सभी को हमारा ये गंगा दशहरा वीडियो? प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।